श्री गणेशाय नमः। राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चरण वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में 2025 वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बहुत अधिक चांसेस हैं पुत्र प्राप्ति के। इन राशियों को देखिए, 100% संतान सुख तो अवश्य ही प्राप्त होगा और बहुत अधिक चांस भी है कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ये जो हम आपको राशिफल बताने जा रहे हैं ये लग्न की राशि पर आधारित है, तो आप अपने लग्न की राशि से ही अपना राशिफल अवश्य देखें। साथ ही देखिए, अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो देखिए, पुत्र प्राप्ति में पुरुष प्रधान होता है, तो आप अपने हस्बैंड की राशि अवश्य देखें और उनकी राशि में पुत्र प्राप्ति जो योग हम बता रहे हैं, अगर वो राशि उनकी आ रही है तो उनको बहुत अधिक चांसेस है कि उनको मतलब पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों की राशि में मतलब अगर योग है तो निश्चित ही उनको मतलब संतान सुख मिलेगा और बहुत अधिक चांसेस भी है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अगर एक की राशि में देखिए अगर योग नहीं आ रहा है तो उसको उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य बदलता है। दोस्तों, बहुत से भाई बहनों का कमेंट होता है कि मैम, हमने आपके बताए अनुसार राशि के अनुसार कंसीव करा लेकिन हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमें कन्या संतान हुई। दोस्तों, कई बार देखिए हमारे जो कर्म होते हैं उसके अनुसार भी देखिए हमें फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एक राशि के देखिए हजारों लोग होते हैं, जैसे राम और रावण एक ही राशि है लेकिन हमारे जो गुण होते हैं स्वभाव के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। इसीलिए कर्म भी अवश्य करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो हम इस वीडियो में आपको उपाय बताने वाले हैं उनको अवश्य करें, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। 2025 सात भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत अधिक चांसेस हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अगर 2025 रिसीव करते हैं उनकी डिलीवरी 2025 होती है तो उनको बहुत अधिक यानी 90% योग है कि उनको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही जो भी दंपति देखिए कंसीव करना चाहते हैं 2025 करण के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी हम सूक्ष्म रूप में आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको 2025 के जो सात भाग्यशाली राशियां हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। उनको बहुत अधिक चांसेस हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की इन पर कृपा होने वाली है और संतान और पुत्र के लिए पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का स्थान देखा जाता है। तो राशि के अनुसार तो इन राशियों को देखिए बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ देखिए पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप देखिए कंसीव करना चाहते हैं तो अपने सम दिनों के साथ सम तिथि का प्रयोग जरूर करें और अपने हस्बैंड की राशि भी अवश्य देखें। साथ ही दोस्तों, आपको देखिए कौन सा उपाय करना चाहिए। एक तो सबसे पहला जो उपाय है, सबसे पहले तो आप देखिए सूर्य देवता को अर्ध अवश्य दें। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे में गुड़ डालकर सूर्य को अर्ध देना चाहिए। दूसरा उपाय है कि आप सोमवार के दिन एक लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और एक बेलपत्र पर आपको तीन बिंदी लगाकर या ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य ही चढ़ा दें। तीसरा उपाय है दोस्तों, गुरुवार के दिन हल्दी वाला पानी गुड़ डालकर और हल्दी वाला जो पानी है वो केले के जड़ में अवश्य चढ़ाएं और हल्दी का या चंदन का जो पीला चंदन होता है उसका तिलक केले के जड़ पर अवश्य करें और उस तिलक को अपने माथे पर अवश्य लगाएं। अगर ये तीन उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए 2025 आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर पति पत्नी के मतलब राशि इसमें आ रही है तो निश्चित ही उनको बहुत अधिक चांसेस हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अगर एक की राशि में योग नहीं बन रहा है तो आप इन उपाय को जरूर करें। दोस्तों, जिन भी राशियों के योग कम होते हैं अगर कर्म करते हैं तो निश्चित ही उसका भाग्य बदलता है, तो आप कर्म अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेश।